कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल 2AXI लगा चुके थे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर कौन सी किताब चल रही है। तो कोई भी किताब कोई भी हो, क्वेश्चन सभी के आंसर बताए जाएंगे। और जो हम जिस किताब से पढ़ाते हैं वो रतन प्रकाशन की, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा राइटर हैं जिनके, उस किताब से हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं क्योंकि वही किताब मेरे पास उपलब्ध है। तो आप लोगों को यदि हम ये बताएं कि आप लोगों के पास यदि जो किताब से हम पढ़ा रहे हैं यदि वो है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो चाहे जो भी किताब हो उस वह मायने नहीं रखती है। कि मायने यह रखता है कि आप कितना उसे घर पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि को जो भी स्टूडेंट गणित लिए हैं वो सब स्टूडेंट यदि वो घर पर अध्ययनरत हैं, घर पर प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारे इस नंबर पर जो क्वेश्चन ना बने, यदि जो क्वेश्चन ना बने वो इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसका उत्तर रिप्लाई आपको तुरंत का तुरंत कर देंगे। यदि तुरंत नहीं कर पाएंगे तो 2-3 घंटे बाद भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते आप उसमें अग्रसर हो जाइए, प्रयासरत हो जाइए और मेरे साथ साथ चलने के लिए आप आगे बढ़ जाइए। अब वह समय आ गया है कि जब हम सभी को मिलकर के वास्तविक रूप में पढ़ाई करनी होगी। और अब इसीलिए आप लोग, कुछ बच्चों के मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं जिसके मैं रिप्लाई करता भी हूँ, और लगातार रोज शाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं बता सकते। इसीलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन ना बने उसे सेंड करिएगा और इसके उत्तर। और हाँ, एक बात और, जो बच्चे गणित लिए हैं वो वीडियो का पूरा देखे, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो एक दो क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये गलत तरीका है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि प्रत्येक चीज, एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। तो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था 2AXI का, 18 का चौथा क्वेश्चन था। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें ऐसी वैल्यू रखना है हमें जिससे कि ये फॉर्मूला को बन जाए। तो यहां हम मानेंगे कि, मान लीजिए कि x बराबर a tan थीटा रखें या x बराबर a tan a रखें। तो जैसे मान लीजिए कि x बराबर हमने a tan थीटा, स्मॉल a tan थीटा रखने पर माना एक्स स्मॉल एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो रखेंगे तो टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा, एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस का ए टेन थीटा का होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस का a³ × 10³ θ डिवाइड बाई a³ माइनस 3a, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो a² tan² θ। यहाँ आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3a³ tan θ माइनस a³ tan³θ डिवाइड बाई a³ माइनस 3a³ × 10²θ। यहां ऊपर हम a³ कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे a³, तो टेन इनवर्स a³ जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 tan θ माइनस 10³θ डिवाइड बाई एक ही यहां कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 3 tan²θ। एक ही से एक ही कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3 tan θ माइनस 10³θ डिवाइड बाई 1 - 3 tan²θ। आगे हम टेन 3θ का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। टेन 3 का फॉर्मूला या टेन 3θ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 tan θ माइनस 10³θ डिवाइड बाई 1 - 10²θ। तो
तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan 3 थीटा का इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x अपॉन a, tan थीटा का मान पहले यहां से निकालेंगे, तो जैसे दिखिएगा यहां से, जैसे हमारे पास दिया गया है x बराबर a tan थीटा दिया गया है, तो x अपॉन a बराबर tan थीटा, तो थीटा की यदि वैल्यू निकालेंगे तो इनवर्स लग जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे कितनी हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे 2B एक्सरसाइज के, तो देखिएगा ये क्वेश्चन। अगली 2B एक्सरसाइज में यदि हम आपको बताएं तो पहले क्वेश्चन है 2B एक्सरसाइज में, पहला जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इक्वल tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम LHS नोट करेंगे, तो RHS प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले LHS देखेंगे, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। अब एक बात देखिए कि यदि tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है और इस रिलेशन को हम cot इनवर्स में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x बराबर यदि cot में बदलना है तो cot इनवर्स 1/x हो जाता है। यदि sin इनवर्स x है और cosec के साथ रिलेशन देखें तो cosec इनवर्स 1/x, और यदि हमारे पास sec होता तो हम कह सकते थे, या cos होता cos इनवर्स x बराबर हम कह सकते थे sec इनवर्स 1/x। ये तीन रिलेशन है, इसलिए cot इनवर्स x को हम कह सकते हैं tan में बदलने के लिए हम कह सकते हैं, पहले tan को tan में रहने देंगे, 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब चूंकि हम अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो हम देख चुके हैं, तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 1 - 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। tan इनवर्स LCM वहां ऊपर ले लेंगे 24, 11 मल्टीप्लाई 24, 24 का 48 प्लस 77 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 14 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 24, तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहां ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 12 125, और यहां 4 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 264 माइनस 14 मल्टीप्लाई 264 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे tan इनवर्स 125/264 पूरे के डिवाइड बाय 250/264, 264 से कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स 125/250 12 बार हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा लग चुका है, अभी थोड़ा पहले ए एक्सरसाइज में था, बी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 2B एक्सरसाइज का,
भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आप लगाइएगा, जो कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है जो बताने लायक है, जो क्वेश्चन बताने लायक है वो हम बताएंगे, जो ना बने आप लोगों को पूछ लीजिएगा। टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर प्रूफ करना है π/4, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी LHS को नोट कर लेंगे, तो LHS बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। पहले दो को फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस, इन दो का फॉर्मूला खोल लेंगे। टेन वर्स 1/7 और टेन वर्स 1/8 के लिए जब फॉर्मूला खोलेंगे, दो दो करके फॉर्मूला खोल दिया हमने, इन दो में एक फॉर्मूला खोल दिया, इन दो में एक फॉर्मूला खोल दिया, बराबर टेन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ 5 + 3 पूरी के डिवाइड बाय 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 15 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ यदि एलसीएम ले लेंगे 56 हो जाएगा, 8 + 7 हो जाएगा, यहाँ 56 माइनस 1 डिवाइड बाय 56 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे टेन इनवर्स 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 8/14 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 56 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/, यहाँ आ जाएगा 55, तो 5 से काट देंगे, 5 × 15 5 से 11 बार ई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4, यहाँ 7 आ जाएगा, तो देखेंगे टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स 3/11, इन दो का फॉर्मूला फिर से खोल देंगे वही फॉर्मूला, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 3/11, तो आगे कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हो जाएगा इक्वल टेन इनवर्स, यहां हो जाएगा 1170 आ जाएगा, 1144 प्लस 721 डिवाइड बाई, यहां नीचे 1170 माइनस 12 बटे 70, तो बराबर टेन इनवर्स, आगे ऐड करेंगे 5 वाले 5 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, तो यहां घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहां 75/77 पूरे डिवाइड बाई 65/77 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 65/65 कैंसिल, तो बराबर टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स, अब कल बताए थे एक बार कि 1 वैल्यू किस चीज में होती है टेन की, तो आप बताइए टेन पैतालीस अंश का मान 1 होता है, इसीलिए हम कहेंगे टेन 45 अंश या 5/4, टेन वर्ष से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आंसर आ जाएगा 5/4, ये हमारी हो गई है RHS। तो LHS सॉल्व करने से RHS इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर हम देंगे छठवां, 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर छठवां जो है वो हमें है टेन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x पूरे के डिवाइड बाई √1 + x माइनस प्लस √1 - x, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है π/4 माइनस के 1/2 cos इनवर्स x। तो इसके लिए सबसे पहले कल हम कई बार बताए थे कि यदि फिर से एक कॉन्सेप्ट वही बताएंगे कि यदि 1 + x एक्स के साथ यदि 1 लगाओ तो एक्स की जगह पे हम cos x या cos 2x वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, और यदि 1 + x² हो
अगर स्क्वायर के साथ वन लगा हो तो एक्स की वैल्यू हम टेन के रूप में रखते हैं, तो इसके साथ यदि एक्स केवल वन के साथ लगा हो तो एक्स की जगह हम कॉस ए रखते हैं। तो अब यहाँ वन प्लस एक्स है तो एक्स की जगह हम कॉस टू ए की फॉर्मूला रखेंगे। तो मान लीजिए कि एक्स बराबर जो हमारे पास कॉस टू एक्स है, माना एक्स बराबर कॉस टू एक्स, कॉस टू ए रख लो, एक्स के रूप में है तो एक्स बराबर माना एक्स की जगह कॉस टू ए, कॉस टू ए को रखेंगे तो यहां हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू ए माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू ए पूरे के डिवाइड बाय हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉस टू ए प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू ए। अब कॉस टू ए के साथ है तो कॉस टू ए के साथ यदि वन हो तो हम इसे खत्म करेंगे, तो कौन से फॉर्मूले से खत्म करेंगे, यदि प्लस वन है तो माइनस वन के रूप में खोलेंगे और माइनस वन है तो प्लस के रूप में खोलेंगे। तो यहां देखेंगे अंडर रूट वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस ब्रैकेट करके वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे कि कॉस टू के साथ हमने कॉस टू का फॉर्मूला साइन के रूप में खोला, आगे अंडर रूट यहां फिर बने प्लस में तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस, तो यहां हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर लेंगे तो हो जाएगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन से वन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां बचेगा रूट टू साइन स्क्वायर ए पूरे के डिवाइड में रूट टू कॉस स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर ए। आगे रूट टू यहाँ हम टेन इनवर्स हम लिख सकते हैं कि रूट टू आगे इंटू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कैंसिल हो जाएगा तो टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई रूट टू कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट टू साइन स्क्वायर ए। यहां देखेंगे तो टेन इनवर्स तो रूट टू कॉस ए आ जाएगा माइनस रूट टू साइन ए आ जाएगा पूरी डिवाइड में रूट टू कॉस ए आ जाएगा प्लस रूट टू साइन ए आ जाएगा। आगे देखेंगे रूट टू कॉमन ले लेंगे तो हम देखेंगे टेन इनवर्स रूट टू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई रूट टू, फिर से कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए आ जाएगा तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम करेंगे टेन इनवर्स कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे के डिवाइड बाई, यहाँ कॉस ए जब कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा तो वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखेंगे टेन इनवर्स वन माइनस टेन ए वटे वन प्लस टेन ए, तो कल बताया थी वन माइनस टेन ए वटे वन प्लस टेन ए काय का फॉर्मूला हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो इनवर्स से के पाई बाई फोर माइनस ए का फॉर्मूला हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस ए, तो पाई बाई फोर माइनस ए की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो यहां से अगर ए की वैल्यू लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं एक्स बराबर दिया गया है कॉस टू ए, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर टू ए, तो ए बराबर हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ए बराबर हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, यहां रख देंगे तो वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो आगे हमें क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि
LHS बराबर हमें जो प्रूफ करना है वो यही करना है, LHS RHS के बराबर यही कि π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो इस टाइप से आपको 2B एक्सरसाइज के जो सवाल लगाना है, जो क्वेश्चन नावन है वो क्वेश्चन पूछ लेना है, और लगातार यही क्वेश्चन की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग मैथ लगाइएगा। धन्यवाद।